हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पीयू लीड का जो 2022 का जो एग्जाम था, जो पेपर डिस्कशन था, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैसे सवाल आए, और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने इस पेपर को दिया है वो अपने सोल्यूशन को चेक कर सकता है। और वैसे इसका आंसर भी आ गया है, लेकिन फिर भी जो इसका डिटेल सोल्यूशन है वो कैसे होगा, जो भी विद्यार्थी पीयू लीड को टारगेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसे किन किन टॉपिक्स को टच करना चाहिए इन द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आज की पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीयू लीड के 2022 के पेपर में कैसे कैसे सवाल आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो पहला सवाल आता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये दोनों रूल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम पढ़ते हैं, किसमें, डीसी मशीन के मोटर और जनरेटर में। ठीक है, तो आपको मोटर और जनरेटर का पार्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने थोड़ा पढ़ा भी है अपने बेसिक क्लास में, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मोटर की वर्किंग कैसे होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो मैं बात करता हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ मोटर। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, राइट हैंड रूल की, तो राइट हैंड रूल में क्या होता है, हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इन अ जनरेटर। ठीक है, तो हमें क्लियर होना चाहिए दोनों रूल की। हमारा जो राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर में इस्तेमाल होता है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड रूल है वो किसमें इस्तेमाल होता है, मोटर में। अब जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ द फोर फिंगर, जो मेरा फोर फिंगर है ये पॉइंट कर रहा है किसको, फ्लक्स को, तो मेरा मिडल फिंगर किसको पॉइंट करेगा। इन दिस केस अगर हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड रूल होता है उसमें अगर फोर फिंगर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको जो मिडल फिंगर है करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो थंब है वो आपका मोशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर ये बात करें किसकी, मिडल फिंगर की, अगर ये बात करें मिडल फिंगर की, तो जो मिडल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो ये होगा करंट इन द कंडक्टर। सेम अगर वो पूछे कि इसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो थंब रिप्रेजेंट करता है कि जो कंडक्टर है उसका क्या मोशन होने वाला है, मतलब जो आपका आर्मेचर वो किस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है। ठीक है, तो ये बातें जो हमें पता होनी चाहिए फ्लेमिंग लाइट लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप मोटर के और जनरेटर के कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट से। मेजरमेंट में हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक्स होती है फॉर द पावर मेजरमेंट। तो पावर मेजरमेंट क्वेश्चन है, हम पावर को मेजर करने के लिए वाट मीटर मेथड यूज करते हैं, टू वाट मीटर मेथड। उससे सवाल पूछा गया है, व्हाइल मेजरिंग पावर इन अ थ्री फेस लोड बाय अ टू वाट मीटर मेथड, द रीडिंग ऑफ द वाट मीटर विल इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, जो वाट मीटर का जो रीडिंग है वो क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। इसको समझने के लिए हमें दोनों वाट मीटर की रीडिंग पता होनी चाहिए कि दोनों वाट मीटर कैसे रीड करना है। जो मेरा W1 होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरे पास VL IL cos times of 30 माइनस में 5। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन था W वाट मीटर 1 का। ठीक है, मेरे पास दूसरा वाट मीटर है W2, दैट इज VL IL cos times of 30 प्लस में 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होती है जो हमारी वाट मीटर से निकलती है बाय यूजिंग फेजर डायग्राम, जो इसको हम निकालते हैं, जिसको हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो दो वाट मीटर की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन है पता होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि जो दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग है वो बराबर है और क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा तब होता है जब एंगल की जो वैल्यू है एट फाई इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, जैसी फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, हम कह सकते हैं कि जो मेरा W1 होगा ये W2 के माइनस साइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग पूछता है, मतलब अगर मेरे पास वाट मीटर में फाई की वैल्यू 60 है, तो जैसी फाई की वैल्यू 60 होगी वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग देना शुरू कर देगा। नेगेटिव रीडिंग देते देते अगर वो 90 डिग्री पहुंच गया, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वाट मीटर सेकंड वाट मीटर के बराबर हो जाएगी इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अगर हमें वाट मीटर की नेगेटिव रीडिंग को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको हम एलिमिनेट करते हैं बाय इंटरचेंजिंग आइदर पोटेंशियल कॉइल और द करंट कॉइल ऑफ द वाट मीटर। ठीक है, तो ये सारे सवाल वाट मीटर के बहुत फेमस है, इनको हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइल मेजरिंग पावर इन अ थ्री फेज लोड बाय टू वाट मीटर मेथड, द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन। कब होंगे, जब दोनों वाट मीटर क्या होंगे, प्योरली इंडक्टिव नेचर के होंगे, क्योंकि तब मेरा जो फेस शिफ्ट होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यूनिटी में नहीं होगा, लोड बैलेंस होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि जब लोड बैलेंस होगा तब मेरी वाट मीटर की रीडिंग सेम आएगी हर वाट मीटर में। अगर मेरे पास फेस एंगल है 60 डिग्री, तो फेस एंगल 60 डिग्री होगा तो वाट मीटर की एक वाट मीटर की रीडिंग नेगेटिव होगी, लेकिन उसके बराबर नहीं होगी। अब जैसी उसकी रीडिंग 90 होगी, वही वो केस होगा जब उसकी वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, नेगेटिव भी होगी और इक्वल भी होगी। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा,
that is load is purely inductive. When load is purely inductive, the phase shift between two faces, जो phase shift होगा किसके बीच, इन दोनों के बीच वो क्या होगा, पूरा 90 डिग्री का होगा, और हम कह सकते हैं कि जो वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 में जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव साइन बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो काफी गुड क्वेश्चन है, अगर आप मेजरमेंट स्टडी करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. चलिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, मेरे पास दो वोल्टेज इक्वेशंस दी हुई है. ठीक है, और दो वोल्टेज इक्वेशन में मुझे बताना है कि क्या क्या बिहेवियर हो रहा है. ठीक है, तो अगर हमें इसको पहले ट्रीट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे साइन कन्वेंशन लग रहा है. ठीक है, इसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ लैगिंग लीडिंग. ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे पास E1 है, दैट इज Emax साइन 100 पाई टी, तो मेरे पास एक बनता है ग्राफ जिसका नाम होता है E1. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्राफ E1. मेरे पास E2 है जिसका इक्वेशन क्या है, Emax साइन 100 पाई टी प्लस में पाई बाय 6. इसका मतलब क्या है कि वो पाई बाय 6 रेडियन पहले ही शुरू हो गया है. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो E2 है वो पहले ही शुरू हो गया है, कितने से, पाई बाय 6 रेडियन से. अब मैं बात करूं अगर पाई बाय 6 की, तो पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है कि मेरा जो E2 है वो क्या है, 30 डिग्री आगे है. अब इसमें क्या, पहला ऑप्शन जो है क्या है, फर्स्ट लीड सेकंड बाय 30 डिग्री, ऐसा नहीं है. ठीक है, पहला लीड नहीं कर रहा, जो मेरे पास वेवफॉर्म है E2 वो लीड कर रही है E1 से, कितने डिग्री से, बाय 30 डिग्री. ठीक है, सेकंड लैग्स बिहाइंड 1, नहीं, सेकंड तो लीड कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. फर्स्ट अचीव इट जीरो वैल्यू एट 1/100 सेकंड बिफोर, नहीं, जो पहले हमारे पास सेकंड E2 वेवफॉर्म है वो इस वेवफॉर्म को, वो इतने टाइम पीरियड को पहले अचीव करेगा. क्यों, क्योंकि मेरा E2 वाला क्या है, लीडिंग नेचर का है. ठीक है, तो मेरे पास ये जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो मेरे पास E2 वेवफॉर्म है, क्यों, क्योंकि वो लीडिंग है, तो जो लीडिंग नेचर का है वही पहले इस टाइम पीरियड को अचीव भी करेगा. ठीक है, जो भी टाइम पीरियड उसको अचीव भी करेगा, या तो जीरो हो, या तो 1/600 हो, तो जो भी टाइम है उसको अचीव कौन करेगा, जो लीड है. देखो भाई, दो लोग हैं, एक ये है एक ये है. अब इसने पहले दौड़ना शुरू कर दिया, तो अगर इसने पहले दौड़ना शुरू कर दिया तो ये तो पहले ही पहुंचेगा एक से. ठीक है, एक जो वेवफॉर्म है शुरू यहां से हो रही है, एक वेवफॉर्म है वो शुरू यहां से हो रही है, तो दोनों में से कौन जीतेगा, जिसने पहले शुरुआत करी है. ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. ये काफी गुड क्वेश्चन है, और अगर आप इसको, आपको अगर ये आता है, तो आप कितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, कंसेप्ट ऑफ लैगिंग लीडिंग इन सब के, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आपकी गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सवाल, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि कौन सा मेरा लीडिंग है, कौन सा मेरा लैगिंग है. इसमें अगर पूछ लिया जाए कि मेरे पास एक और वेवफॉर्म है E3, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, Emax साइन टाइम्स ऑफ, ठीक है, 100 पाई टी माइनस में पाई बाय 6. अब पूछे कि मेरे पास ये वाली वेवफॉर्म और है, दैट इज E3, उसका नेचर कैसे होगा, तो जब भी मेरे पास ये वाली वेवफॉर्म है, ये क्या करेगी, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री के बाद शुरू करेगी. ये E1 है, ये 30 डिग्री के बाद शुरू करेगी. ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, E3 है. ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेरा जो फेजर है वो पीछे की तरफ है. थोड़ा मैं डाल से दिखाता हूँ. ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, E3 हो गया, जो 30 डिग्री के बाद शुरू कर रहा है E1 से. ठीक है, तो ये सारे वेवफॉर्म होते हैं, जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ लैगिंग लीडिंग की, कौन सा वेवफॉर्म मेरा पहले जा रहा है, कौन सा वेवफॉर्म मेरा पीछे जा रहा है. ठीक है, तो प्लस पाई बाय 6 मतलब पहले शुरू हो रहा है, माइनस पाई बाय 6 मतलब वो थोड़ा बाद वो शुरू हो रहा है. ठीक है, सो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं. और इसमें और पूछता है कि बताओ लीडिंग नेचर कैसा है और लैगिंग नेचर कैसा है. ठीक है, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर्किट थ्योरी का, या फिर जिसे हम नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इसने पूछा था वैल्यू ऑफ रेशियो इन द सर्किट बिलो. ठीक है, इस सर्किट में अब जो भी विद्यार्थी शुरू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तो सबसे पहले वही सारे सवाल शुरू करता है. ठीक है, अब इसको कैसे किया जाए, देखो इसमें मैं सबसे आसान इसे दो लाइन में कैसे कर सकता हूँ, बाई यूजिंग नोडल. ठीक है, तो अगर मेरे को नोडल लगाना आता है तो इसको मैं आराम से कर सकता हूँ. कैसे सर, एक को मैंने, इस नोड को मैंने मान लिया Vx और इसे मैंने कर दिया ग्राउंड. ठीक है, बाकी आप इसको अन्य तरीके से कर सकते हो, आप KVL लगा सकते हो. ठीक है, आपको जो भी मैश लगाना लगा सकते हो, लेकिन जो सबसे आसान अप्रोच है वो क्या, नोडल है. ठीक है, मैंने यहाँ पे नोडल लगाया, यहाँ पे तीन करंट है, एक करंट. ठीक है, दैट इज Vx माइनस में मेरे पास क्या वोल्टेज है, 100, दैट इज 100. मेरे पास क्या रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच, दैट इज 10 प्लस. मेरे पास दूसरा करंट है जो यहां जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज Vx अपॉन में 10. मेरे पास एक करंट है जो यहां जा रहा है, दैट इज प्लस में 2 इक्वल टू में 0. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो आराम से. ठीक है,
जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है, ये क्या आएगा, वी एक्स माइनस में 100 अपॉन में 10 प्लस में वी एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू में -2, ठीक है, ये वी एक्स ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 वी एक्स माइनस में 100 इज इक्वल टू में -20, ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 वी एक्स इज इक्वल टू में ये इधर चला गया तो प्लस 100 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 80, यहां से वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 40 वोल्ट्स। जैसे आपके पास Vx की वैल्यू आई, आपको पता है कि इस पॉइंट के पास कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, 40 वोल्ट का ड्रॉप, ठीक है, तो मुझे पता है कि V इज इक्वल टू में सर IR होता है, ठीक है, Vx की वैल्यू कितनी है सर 40 है, ये करंट कितना जा रहा है 2 जा रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 से काटा, R की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 20 ओम्स, ठीक है, इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ा, इस ब्रांच में क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, अगर मैं इस ब्रांच की वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकूं, अगर मैं यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको निकाल सकूं, तो इस आर की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, मुझे पता है सर वी इक्वल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू मुझे इस ब्रांच में पता है 2 एम्पीयर, इस ब्रांच का क्या वोल्टेज ड्रॉप है, अगर मैं वो निकाल लूं तो मेरे पास आराम से सारी चीजें आ जाएंगी, मैंने यहां पे वोल्टेज निकाल ली तो मेरा आर का रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 20 ओम्स, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ R की वैल्यू क्या आएगी, करंट की वैल्यू क्या आएगी और वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आप इसको डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हो, नोडल एक आसान मेथड है, इसलिए मैं नोडल से चला गया, प्रोसीड कर गया, आप इसको किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मेश लॉ, इन सबसे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए हम काम करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल इन लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इन विच इफ यू हैव नंबर, आपके जो सोर्सेज हैं वो एक से या दो से ज्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक सोर्स को कंसीडर करते हैं एक समय में, उसको जीरो करते हैं दूसरे को, फिर दूसरे सोर्स को कंसीडर करते हैं और पहले वाले को जीरो कर देते हैं, फिर दोनों का जो इफेक्ट है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। इसकी मदद से हम करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, पावर नहीं निकाल सकते, पावर जो एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम सुपर पोजिशन थ्योरम से सिर्फ और सिर्फ करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। So that is option number C, that is both correct and voltage can be found out. बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर D लगा देते हैं, इसका आंसर D नहीं होता, क्योंकि जो पावर होती है वो एक नॉन लीनियर क्वांटिटी होती है, और जो सुपरपोजिशन थ्योरम है जो लगता ही है कब, when we have लीनियर bilateral network, ठीक है, लीनियर bilateral network में लगता है और उन्हीं क्वांटिटी को सॉल्व भी करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी नहीं होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट एंड द वोल्टेज इन एनी ऑफ द ब्रांच। इसमें यही होता है कि अगर आपके पास एक सर्किट में दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्स है तो आप एक समय में एक बार ही कंसिडर करो, दूसरे को शून्य कर दो, उसके बाद आप दूसरे को कंसीडर करो, पहले वाले को शून्य कर दो, ठीक है। इसके मदद से आप किसी ब्रांच में ओवरऑल रिस्पांस क्या आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है थेवेनिन थ्योरम पे, तो अभी जो तीन सवाल आए हैं लगातार वो डीसी थ्योरम, मतलब डीसी सर्किट से आए हैं। डीसी सर्किट में आपके पास आता है कि मैं किस सेल की वेल पढ़ता हूँ, डीसी सर्किट में आता है बहुत सारे थ्योरम्स, दैट इज सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, तो सारे थ्योरम का आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए अगर आप इन एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द थेवेनिन इक्विवेलेंट पेयर, मेरे को क्या निकालना है, वोल्टेज और इंपेडेंस निकालना है इस टर्मिनल पे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है इस टर्मिनल पे, क्या निकालना है इस पी क्यू पे निकालना है वोल्टेज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि वो निकालना आसान है, कि इंपेडेंस क्या आएगा, इंपेडेंस मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इंपेडेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वोल्टेज सोर्स है उसे कर दो भाई शॉर्ट, ठीक है, और जो मेरे पास करंट सोर्स है उसे कर देते हैं हम ओपन। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, ताकि मैं उसको जीरो कर सकूं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट है उसको जीरो करने के लिए हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स का इफेक्ट करने के लिए हम उसको ओपन कर देते हैं, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मुझे इसके क्रॉस क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, और इसके क्रॉस क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट अप्रोच क्या है कि जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको जीरो कर दो। तो इस वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज सोर्स को जीरो करने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा शॉर्ट, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं शॉर्ट। यहां मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का, यहां मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहां मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है। और मुझे इन दोनों के अक्रॉस निकालना है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
ठीक है। एक छोटी सी बात और है, ठीक है, जो हमने बताई नहीं, मुझे वोल्टेज सोल्व करना था शॉर्ट, तो मैंने वोल्टेज सोल्व कर दिया शॉर्ट। अब जिसके पास गुड क्लियरिटी है वो देखेगा तो पाएगा कि अगर मेरा करंट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अगर मेरे चिंटू साहब यहाँ से आ रहे हैं, तो सारा का सारा जो करंट है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे जाएगा और सारा का सारा यहाँ जाएगा। इस वाले पाथ में, इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि करंट ने इस वाली ब्रांच को बायपास कर दिया, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जो एलिमेंट है ये कैसा हो गया, बायपास हो गया, सारा का सारा जो करंट है वो यहीं चला जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो सारा का सारा जो करंट है वो यहीं से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। मतलब जो आर इक्विवेलेंट हुआ उसमें दो ब्रांच आई, कौन कौन सी सर, एक 10 ओम की, इसके पैरेलल में एक और आई 10 ओम की, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो देखने को मिला वो कितना मिला, 5 मिला, मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी होगा, इन दोनों में तो 7.5 ओम है, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी 7.5 ओम भी ले लेते हैं, इनको सीरीज में जोड़ के फिर पैरेलल में कर दे तो 7.5 आता है, लेकिन फिर वो आंसर सही नहीं होता, मतलब आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी बात देखें, ठीक है, अगर मैं इसको आसानी से बताऊं, मेरे पास ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज 4 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है मेरे पास ऐसे और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास ऐसे, ठीक है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम होती है, ठीक है। मतलब इस पूरे पथ यहां से लेके ए से लेके बी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, मतलब जल्दी करने का तरीका है ये सब, ठीक है, वरना आप आराम से कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जल्दी करने का अप्रोच क्या है, मुझे पता है सर ये मेरे पास क्या है वोल्टेज सोर्स है, और जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या होता है पैरेलल में बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 4 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी कितना होगा 4 वोल्ट होगा, और यहाँ भी कितना होगा 4 वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ दो रजिस्टर है, ठीक है, अब दो रजिस्टर में 4 वोल्ट कैसे ड्रॉप हो गए सर, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ भी क्या होगा 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और यहाँ भी क्या होगा 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। वो पूछ कहाँ रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे, दैट इज पी क्यू, ठीक है। तो जो मेरे पास पी क्यू के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हुआ, दैट इज 2 वोल्ट, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द अननोन नेटवर्क पी क्यू इज 2 वोल्ट एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 5 ओम्स, ठीक है। सो काइंडली पे अटेंशन एंड मार्क द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। एक अच्छा सवाल पूछा गया है, इसे कहते हैं एसी सर्किट, ठीक है। तो अभी तक हमने लगातार 4-5 सवाल किसे करें, डी सर्किट और ए सर्किट, इसका मतलब क्या है कि आपको नेटवर्क में अच्छी कमांड होनी चाहिए, और जिसका नेटवर्क अच्छा है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच द फॉलोइंग सर्किट इज ट्रू, मेरे पास क्या है एक इक्वेशन दी है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू करने के लिए काफी वैसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या इसमें स्टेप्स फॉलो होंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, मतलब इसमें वो सारी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इसमें करंट की वैल्यू ये आ रही है क्या, एल की वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है कि ये क्या है, ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसे कहते हैं सीरीज एलआर सर्किट, क्यों, क्योंकि सर इसमें इंडक्टर भी और रेजिस्टेंस भी है, दैट इज नोन एज सीरीज एलआर सर्किट, ठीक है। अब सर इसमें मुझे हर पॉइंट में वोल्टेज पता करनी है, यहाँ पे वोल्टेज मेरे को दे रखी है 250√2 sin 300 t, यहाँ वोल्टेज दे रखी है 100 t, यहाँ की वोल्टेज क्या होगी मुझसे पूछी है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, दैट इज टोटल जो वी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, जो मेरे पास वी स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर होता है, जो वोल्टेज यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है प्लस में वोल्टेज इंडक्टर में कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मतलब फेजर एडिशन होता है, फेजर एडिशन ऑफ दिस वोल्टेज वुड बी इक्वल टू फेजर एडिशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इसको मैं आराम से यहाँ पे वी की वैल्यू मेरे को पता ही है, ठीक है, इसका मुझे वी पता है, मुझे वी एल की वैल्यू पता ही है, दैट इज 150, यहाँ से मैं वी आर की वैल्यू निकाल के चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। दूसरा है कि सर मेरे पास एल की वैल्यू क्या है, ठीक है, मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, वी एल मुझे दे रखा है, ठीक है, एल मुझे निकालना है, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब सर आया मेरे पास करंट, करंट कैसे निकाला जाए, करंट निकालने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ता है, दैट इज वी इज इक्वल टू में आई इंटू में जेड, ठीक है। आपको इस सर्किट का ओवरऑल इंपेडेंस निकालना पड़ेगा, ओवरऑल इंपेडेंस कैसे निकालेंगे सर, ओवरऑल इंपेडेंस निकालने का तरीका होता है जेड इज इक्वल टू में अंडर रूट टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का होल स्क्वायर,
ठीक है। आप इस फॉर्मूले से जेड निकालिए, जेड निकाल लीजिएगा, आपके पास वोल्टेज पता ही है, आपका करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा आपके पास, तो आप उससे सीधा भी यहाँ पे क्या एल की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सॉल्व करने में समय लगता है लेकिन फिर भी ठीक है। ये अप्रोच होता है कि सबसे पहले हमें अगर वोल्टेज चेक करना है तो हम ये रिलेशन लगाएंगे, अगर हमें करंट चेक करना है तो हम ये रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, और वहां से हम इसका वोल्टेज भी निकाल सकते हैं या फिर ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसका आप इस्तेमाल करके आराम से सारी की सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन टू और थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट कि मेरे पास जो करंट था वो 2 एम्पियर था और मेरे पास जो इंडक्टर था वो कितना था 0.25 हेनरी। ठीक है, तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर की, और वो बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पास एक मशीन होती है, डीसी मशीन, एसी मशीन, एसी मशीन में हमारे पास दो मशीन होती है, इसका नाम होता है सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो मेरे पास एक होती है इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, ये मेरे पास होती है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जो रीजन होता है इसे कहते हैं लो स्लिप रीजन, इसे कहते हैं हाई स्लिप रीजन। ठीक है, दैट इज नोन एज योर लो स्लिप रीजन एंड दैट इज नोन एज योर हाई स्लिप रीजन। ठीक है, अब इस लो स्लिप रीजन और हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, इस लो स्लिप रीजन में क्या होता है, जो मेरा टॉर्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लिप के। इस वाले रीजन में क्या होता है, जो मेरा टॉर्क होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आपको करने हैं वो आप इस ऑपरेशन में करते हैं, इसे कहते हैं वर्किंग ऑपरेशन। ठीक है, दैट इज स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मशीन। तो जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं वो सारे आप इसी रीजन में करते हैं, आप इस रीजन में नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल मोड होता है ऑपरेशन करने का। जैसे ही आपका जो ऑपरेटिंग रीजन है वो यहाँ जाएगा, आपकी जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली कुछ भी डिस्टर्बेंस होने की वजह से रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास आसान सा सवाल होता है, डेट इज इंडक्शन मशीन का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से पूछा गया है एट लो स्लिप रीजन। ठीक है, तो लो स्लिप रीजन कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, दिस इज अ लो स्लिप रीजन। ठीक है, तो इस लो स्लिप रीजन में क्या होता है कि आपका जो टॉर्क होता है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्लिप के। ठीक है, सो दैट वुड बी डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, आप इस पे और क्वेश्चन फ्रेम देख सकते हो। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक मटेरियल आर बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर कोर्स विच हैव डैश परमेबिलिटी एंड हिस्टेरेसिस लॉस। आप खुद सोचो, अगर आप किसी मशीन को बनाना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो, कि मेरा मैक्सिमम फ्लक्स उस कोर से पास हो जाए। अगर किसी कोर से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है मतलब उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई। और आप कैसा मशीन बनाना चाहोगे जिसके लॉसेस कम हो ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना। सो दैट्स व्हाई इज एफिशिएंसी हायर, फॉर दैट द लॉसेस वुड बी मिनिमम। तो अगर आप कोई भी मशीन बनाते हो तो मैं एक ऐसी मशीन डिजाइन करना चाहूंगा कि मैं कोई भी फ्लक्स पास कराऊं उस पूरे के पूरे मटेरियल से सारा का सारा फ्लक्स पास हो जाए और उस पूरे के पूरे मशीन में जो लॉसेज है वो कम से कम हो। ठीक है, तो इन दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए हम किसी मशीन को जब बनाते हैं तो उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो कैसे रखती हैं हम, हाई, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप किसी मटेरियल को बनाओगे तो उसका परमेबिलिटी हाई होगा। द मीनिंग ऑफ हाई परमेबिलिटी इज The meaning of high permeability is that we are allowing maximum amount of flux to pass through that core. In the ideal transformer or in the ideal machines, we are tending our permeability towards infinity. ठीक है, हम अगर ideal machine की बात करते हैं तो ideal machine में हम अपनी permeability को infinite ले जाते हैं. The permeability tends to infinite. It means that we are allowing the entire flux to pass through that. सारा का सारा जो flux है उससे pass हो जाए. ठीक है, so that's why that is all about electrical engineering. These are some basic questions of electrical engineering. अब पूरे के पूरे electrical engineering में किससे सवाल थे, that is circuit theory, machines, ठीक है, AC machines, DC machine, दोनों में सवाल थे। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है, circuit में भी AC circuit से भी सवाल थे और DC circuit से भी सवाल थे। ठीक है, तो अगर PU lead की बात करें तो उसमें सर्किट मतलब नेटवर्क थ्योरी या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट से सवाल पूछे गए थे और मशीन से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मशीन्स का ही है। ठीक है, दैट इज मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग इन मशीन्स।
ये आपको याद रखना कि अगर कोई भी विद्यार्थी और आगे पीयूएलटी के लिए तैयारी कर रहा है अगले साल, उसका सर्किट थ्योरी पहले करना है और फिर करना है उसको मशीन से भी, दोनों मशीन करनी है, एसी मशीन डीसी मशीन दोनों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। आई होप ये सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन पूछा गया है अ ज़ेनो डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास क्या होता है, ये इसका होता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो अंतर होता है वो ये होता है कि इसमें जो ब्रेकडाउन रीजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शार्प ब्रेकडाउन रीजन हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ेनर डायोड, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करूं, उसमें क्या होता है कि जो मेरा ब्रेकडाउन रीजन होता है, ठीक है, उसमें जो मेरा ब्रेकडाउन रीजन होता है वो क्या होता है, तो मैं शार्प नहीं होता, लेकिन जो मेरा ज़ेनर डायोड होता है उसको मैं यूज करता हूँ इन अ शार्प ब्रेकडाउन रीजन, और इसलिए मैं इसको रिवर्स, मतलब इसका जो रिवर्स बायसिंग या फिर रिवर्स, दो तरह की बायसिंग होती है मेरे पास, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इसलिए मैं ज़ेनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज कर सकता हूं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ड्यू टू इट्स शार्प ब्रेकडाउन रीजन इन द रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अगला पूछा गया था पीआईवी रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर दैट इज इक्वल टू सेंटर टेप रेक्टिफायर, ठीक है। तो पीआईवी का मतलब क्या होता है, पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। जब आप किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो तो नॉर्मली कंडक्ट करता है, लेकिन जैसे आपने किसी डायोड को रिवर्स बायस किया तो डायोड की टेंडेंसी क्या होती है कि वो डायोड उस ब्लॉक वोल्टेज को ब्लॉक करे। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट अ डायोड कैन हैंडल दैट इज नोन एज अ रिवर्स ब्रेकडाउन कैपेबिलिटी और नोन एज पीआईवी दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, की आपकी जब डायोड रिवर्स बायस में तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज अलाउ कर सकता है, कितने वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मल डायोड की बात करूं तो फॉरवर्ड बायस में अलाउ करेगा, और ठीक है जैसे ही उसके पास रिवर्स बायसिंग आएगी वो सारे के सारे जो वोल्टेज है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अगर बात करूं मैं किसकी, ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूं मैं, ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो पीआईवी होता है वो होता है वीएम, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं मैं किसकी, सेंटर टेप रेक्टिफायर की, ठीक है, अगर बात करूं मैं सेंटर टेप रेक्टिफायर की, तो इसका जो पीआईवी होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वीएम, ठीक है। यहां पूछा गया है मेरे पास पीआईवी रेटिंग है किसके, ब्रिज रेक्टिफायर की वीएम, और पीआईवी रेटिंग है सेंटर टेप रेक्टिफायर की ट्वाइस ऑफ वीएम। तो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, द पीआईवी रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर इज हाफ ऑफ द इक्विवेलेंट टू अ सेंटर टेप रेक्टिफायर। देखो ना ये 2 वीएम है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये हाफ हो गया, ठीक है। इस पे जो आंसर होगा ये क्या होगा, दैट इज 1/2 ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक गेट से सवाल आया गया, लॉजिक गेट से हर बार सवाल आते हैं तो कोई नई बात नहीं है लॉजिक गेट सवाल आना, ठीक है। विच लॉजिक गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट, इनमें से क्या बन रहा है। तो मान लो मेरे पास क्या है, ये ए है, तो ये मेरे पास क्या है, नॉट गेट है, ये क्या देगा आपको पास ए बार, ये अगर मेरे पास बी है तो क्या देगा आपको बी बार, ये करेगा दोनों को, ये मेरे पास क्या है नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या करता है, नैंड मीन्स, ठीक है, एंड प्लस में और, ठीक है, क्या करेगा ए बार प्लस में बी बार का बार। यहाँ पे अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊ, कौन सी थ्योरम लगाऊ, डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊ, तो क्या करूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास ए डॉट बी, ठीक है, दैट वुड इक्वल टू एंड गेट, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक गेट से बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनका लास्ट एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने डी मॉर्गन से करा है, बेसिस को काटा है, तो ये ए बार डॉट बी बार बन गया, ठीक है। तो दैट करस्पॉन्ड्स टू ए डॉट बी विच मीन्स एंड गेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छे से, और बहुत बढ़िया, ठीक है। पूछ रहा था डीसी बायस करंट वोल्टेज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर अ सिलिकॉन इज 10 वोल्ट एंड इनपुट बेस रेजिस्टेंस 100 किलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ऐसा सवाल करने को सीधा तरीका होता है, ठीक है, मेरे पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जिसका बायसिंग कितना होता है, कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट इन द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बेस करंट निकालने का तरीका ये होता है, द वैल्यू ऑफ बेस करंट वुड बी जो भी मेरे पास वोल्टेज है, ठीक है। तो आपने वोल्टेज कितनी अप्लाई करी है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपने 10 वोल्ट अप्लाई करी है माइनस में जो भी कट इन वोल्टेज है अपॉन में जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, बेस रेजिस्टेंस दिया हुआ आपको 100 किलो, ठीक है, दैट वुड बी बेस, ठीक है। तो 10 माइनस में 0.7
अपॉन में जो बेस रेजिस्टेंस कितना है वो कितना है 100 किलो ओम। ठीक है, तो यहां से जो मेरा बेस करंट है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 9.3 ओवर में 100 के। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज 93 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, 93 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट। ठीक है, इससे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 93 माइक्रो एम्पियर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, जो बेस करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता भी है। ठीक है, जो मेरा बेस करंट है वो किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और जो मेरा एमीटर करंट है और जो मेरा कलेक्टर करंट है वो किसमें होता है, दैट वुड इक्वल टू मिली एम्पियर्स। और हमें पता है रिलेशन की जो एमीटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसको हमें देखना होता है अपने ट्रांजिस्टर की थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किससे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप बीजेटी पढ़ते हो, आप एफईटी पढ़ते हो, तो पहला क्वेश्चन जो होता है ना कंस्ट्रक्शन में वो इसी पे होता है कि मेरे पास जो बीजेटी होता है वो कैसा डिवाइस है और जो मेरा एफईटी होता है वो कैसा डिवाइस है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरे पास बीजेटी होता है उसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो किससे होती है, करंट से होती है, लेकिन जो मेरा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो कंट्रोलिंग होती है वो किससे होती है, वोल्टेज से होती है। क्यों? उसमें एक सोर्स होता है और एक ड्रेन होता है और एक गेट होता है। अगर मैं गेट पे कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे चैनल में, ठीक है, मेरे पास मॉस्फेट है या फिर फेट है, इसमें क्या होती है, चैनल क्रिएट होती है। ये जो चैनल होता है ये डिफाइन करता है कि मेरा ड्रेन से सोर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करो तो ऐसे ही होता है कि आप गेट पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हो और जो गेट पे जो वोल्टेज होता है ये डिसाइड करता है कि इसका जो इफेक्ट है ये कितना है। ठीक है, मतलब चैनल की विड्थ कितनी है, जितनी चैनल की विड्थ कम होगी उतना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे सोर्स से ड्रेन पे। ठीक है, और मेरा उतना ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा गया है कि जो मेरे पास फेट है वो कैसा है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और जो बीजेटी है वो कैसा है, करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, सो द फेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एंड द बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज करंट कंट्रोल डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है काफी अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जब हम बीजेटी पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के पढ़ते हैं हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, कि दोनों इनपुट के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको भेजिए आप। ठीक है, अ सर्किट हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल कंसीडर टू विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर। इन टाइप ऑफ एम्पलीफायर को हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, इस तरह अ सर्किट हुज आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल, दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस होता है उसको हम आगे भेजते हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी द वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, मेरे पास एक अच्छा ऑसिलेटर होता है जिसका नाम होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में दो बातें होती है, हमें करना होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, और दोबारा करना होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है, पहला एक तो हम ट्रांसफार्मर यूज करें, दूसरा हम एक आरसी सर्किट का नेटवर्क यूज करें। ठीक है, तो इसमें बर्कहौसन क्राइटेरिया होती है। बर्कहौसन क्राइटेरिया कहता है कि जो मेरे पास एवी की जो वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन, दैट वुड बी 1, एंड वी हैव अ फेज शिफ्ट। जो मेरे पास फेज शिफ्ट होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 360 डिग्री का। ठीक है, तो एक फेज शिफ्ट 180 कैसे करते हैं, देयर आर टू फेज शिफ्ट दैट इन्वॉल्व। एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम यूज करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यूज करते हैं बाय यूजिंग आरसी नेटवर्क। ठीक है, हमें पता है कि आर और सी दोनों क्या होता है, एक फेज शिफ्ट देता है 60 डिग्री का। तो अगर मैं तीन आरसी नेटवर्क इस्तेमाल करूं, अगर मैं तीन आरसी नेटवर्क इस्तेमाल करूं तो मेरे पास जो फेज शिफ्ट होगा कितना होगा, 180 डिग्री का। तो अगर मैं इन दोनों अरेंजमेंट का यूज करूं तो मेरा जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री प्लस में 180 डिग्री, दैट वुड बी 360 डिग्री। सो दैट मेरी बर्कहौसन क्राइटेरिया हो जाएगी पूरी और मेरे पास जो ऑसिलेटर है वो बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई द नेटवर्क वुड बी आर एंड सी। ठीक है, सो फॉर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स आर आर एंड सी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप फ्लॉप काउंटर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्लिप फ्लॉप का आपको टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, दैट वुड बी क्लॉक। ठीक है, दैट वुड बी आपने इनपुट क्या अप्लाई किया और आपका क्यूएल प्लस में। ठीक है, आपने डी फ्लिप फ्लॉप पे क्या अप्लाई किया है, आपका इनपुट क्या है। ठीक है, और आपका क्यूएल प्लस में। तो अगर आपका क्लॉक जो है वो क्या है, शून्य है, या फिर अगर इनेबल जो है वो क्या है, शून्य है, तो आप डी पे कुछ भी रखो आपका जो प्रेजेंट जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो क्या होगा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, सो दैट वुड बी द टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल ऑफ दी डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो भी आपने डी पे कुछ भी रखा, या तो जीरो दो या तो वन दो, ठीक है, आपका जो प्रीवियस स्टेट है वही क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा।
लेकिन जैसे ही आपने इनेबल को हाई किया, फिर क्लॉक को हाई किया, ठीक है, क्लॉक को जैसे आपने हाई किया फिर वन किया, आपका जो डी फ्लिप फ्लॉप है अगर आपने इसको जीरो दिया, आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो अपने आप जीरो हो जाएगा। अगर आपने इसको वन दिया, आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो ही कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्यू आउटपुट फॉलोज द इनपुट व्हेन द इनेबल इज हाई। देखो जैसे मैं अपने क्लॉक को हाई कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने क्लॉक को हाई कर रहा हूँ तो अपने इनेबल इनपुट को हाई कर रहा हूँ, मेरा जो आउटपुट है वो फॉलो कर रहा है किसको, इनपुट को। दैट्स व्हाई द डी फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो नोन एज अ ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, और जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है जिसे कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप, वो बिल्कुल इसका अपोजिट करता है। तो इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपने इनपुट पे दिया सेम आउटपुट आपको आउटपुट पे भी मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्लॉक एक्टिव होगी, सो वट एवर अमाउंट ऑफ इनपुट वी आर गिविंग टू अवर डी इनपुट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप, वो सेम आपको आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज आउटपुट क्यू फॉलो द डी इनपुट व्हेन द इनेबल इज हाई, ठीक है। So these are the questions of the PU lit. I hope आपने इन सभी क्वेश्चन को एक बार देखा होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट्स कर, मतलब नोट डाउन बिल्कुल करें, और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद एक बार अच्छे सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे तो बताया गया, लेकिन और आप अपने खुद से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको करें, और जो भी क्वेरी होगी इन सभी क्वेश्चन करने में उसको पूछे इन दी कमेंट सेक्शन। कुछ अगर एड ऑन करना है इस पूरे पूरे सेशन में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। और दैट इज ऑल अबाउट इन द इंटायर प्रेजेंटेशन ऑफ पीयू लीड डिस्कशन 2022। थैंक यू फॉर योर प्रिपरेशन और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।